मौली तौर पर टूट फूट का शिकार हूं, अमराज का हुजूम है, अभी कुछ अर्सा कबल कनाडा में मैं एक अस्पताल में अपना चेकअप करवा रहा था। डॉक्टर मुझसे पूछ भी रहे थे योर एक्टिविटीज, योर फूड सिस्टम वगैरह वगैरह। मैंने कहा एक्टिविटीज ये है कि बकौल हजरत अमीर शरीयत रहमतुल्लाह अलैह, सुबह दम रेल में गुजरती है, शब किसी जेल में गुजरती है, आकबत की खबर खुदा जाने, अब तो इस खेल में गुजरती है। और फूड का सिस्टम यह है कि कभी रात के 3 बजे, कभी 2 बजे, और फिर सफर। उन तीनों डॉक्टरों ने वो जो मुझे औजार लगा रखे थे चेकअप के लिए, उनको समेट लिया और कहने लगे, आपने खुदकुशी का इरादा कर रखा है, हम कुछ नहीं कर सकते। मगर ये खुदकुशी नहीं, अल्लाह गवाह है, मेरी उम्र के बहुत सारे लोग इस दुनिया से चले गए। मैं अब तक मौजूद हूं, सिर्फ कुरान और सुन्नत की बरकत से। मेरा असल इलाज ही यही है। मैं अपने बच्चों को कहा करता हूं, अगर मुझे कुछ देर जिंदा देखना चाहते हो तो दावत के सफर से मुझे रोका न करो। पहलू में विफाकुल मदारिस अरबिया इस्लामिया के नाज़िम आला बैठे हैं, मैं उनसे पूछता हूं कि सिर्फ पाकिस्तान में दीनी मदारिस की तादाद क्या है? जो मदारिस विफाक में शामिल है, कारी साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं उनकी तादाद 19,000 है। 23 लाख तलबा तालिबा। मदारिस की तादाद 19,000 है और उन मदारिस में पढ़ने वाले तलबा और तालिबात की तादाद 23 लाख 23 लाख। ये वाकई बहुत बहुत बड़ी एनजीओ है और इस एनजीओ को देखकर, इसके समराज देखकर, इसके नतज देखकर, इस्लाम दुश्मन एनजीओ कंप्लेक्स फील करती है, एहसास कंत्री में डूबी हुई है। और वो अपने पालतू वफादारों को कहती रहती है कि इन्हें बदनाम करो, इन पर एलिगेशन लगाओ, किसी तरह से ये लोगों के दिलों से निकल जाए। चुनाचे मेरे सामने अभी कोई अजीज कह रहा था कि उलमा के साथ दहशतगर्दी जैसा कभी फेल मंसूब करना एक मामूल बना हुआ है। नई बात नहीं है, यह होता चला आया है।
शायद आइंदा भी होता रहेगा। अच्छा, मैं आपको यह भी अर्ज कर दूं कि यह तो हमने जो फिगर्स आपके सामने रखे हैं पाकिस्तान के आधे हिस्से के हैं। पाकिस्तान का वो आधा हिस्सा जो हमसे जुदा कर दिया गया, उसमें भी दीनी मदारस की तादाद और उसके नतायज और उनके समरात काबिल रश्क है। बाज मदारस में 5,000 मुसाफिर तलबा हैं, ये दार मकानों में रहते हैं। बाज इदारों में 9,000 तक भी तलबा हैं। मैसेज टीवी, दिस इज योर चैनल। दिस इज योर चैनल।